दोस्तों, मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी 02 हाई लेवल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इतिहास को। इतिहास को आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि इतिहास के शुरुआत से लेकर और इतिहास के अंत तक जितनी भी घटनाएं हुई है उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को। इसे बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, 2-3 दिन रिसर्च करके मैंने तैयार किया है, आप लोग ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले पुरापाषाण काल इतिहास का, यह है अज्ञात काल से लेकर 8000 BC तक के काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। इसमें पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, पत्थर के औजार बने थे बड़े बड़े, और सबसे पहले कुल्हाड़ी का खोज हुआ था, एक कुल्हाड़ी का एविडेंस मिला है, और स्क्रैपर ये सभी हथियार यूज होते थे उस समय, शिकारी रूप में मानव रहता था उस समय में। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है जो कि 8000 BC से लेकर 4000 BC तक का काल है मध्य पाषाण काल। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा यानी कि पूरा पहले जाएंगे तो पूरा पाषाण काल आएगा, मध्य यानी कि मिडिल में उसके बाद, और उसके बाद आ जाएगा नव। तो मध्य पाषाण काल में जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि पत्थर के हथियार जो है छोटे हो चुके थे माइक्रो साइज के, और पशुपालन की शुरुआत हुई थी इस काल में, और डोमेस्टिकेशन बस्तीकरण का शुरुआत हो चुका था, आदमगढ़ में इसका प्रमाण मिला है बस्तीकरण का। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल उसके बाद मध्य के बाद नव नया पाषाण काल, यानी पाषाण काल यानी पत्थर वाले युग का नया। तो ये चलता है 11000 BC से 2500 BC तक के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। इसमें कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि मनुष्य का जो है मस्तिष्क विकसित हो रहा था, इसीलिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार यूज करते थे, उसके बाद थोड़ा सा मस्तिष्क विकसित हुआ तो उससे थोड़ा शार्प हथियार यूज करने लगे माइक्रोलिथ, उसके बाद और थोड़ा सा दिमाग आया तो कृषि की शुरुआत करने लगे, कृषि के लिए अस्थायित्व तो चाहिए, तो इसके बाद सभ्यता का भी विकास हुआ 2500 BC के बाद। तो नवपाषाण में चावल का भी एविडेंस मिला है, चावल का एविडेंस मिला है कोलडीहवा से, और कृषि का जो है सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है बलूचिस्तान से। उसके बाद चलते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता उसके बाद आती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 BC से लेकर 1500 BC तक के सभ्यता को बेसिकली ये आता है, और इसमें है कि इसका शुरुआत हुआ था 1856 में, अलेक्जेंडर कनिंगम ने फॉसिल्स को इकट्ठा किया था और उस पर खोज की, रिसर्च किया, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और इन्होंने इंडियन म्यूजियम की भी स्थापना की कलकत्ता में, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे और ये गवर्नर थे, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया जिसका मुख्यालय आज अभी तक कोलकाता में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल आ जाता है, हड़प्पा काल के बाद ऋग्वैदिक काल, चूँकि हड़प्पा काल जो है शहरी था और इसका त्रिभुजाकार था, हड़प्पा काल का वो जो एरिया था। आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी के काल को कहते हैं, अभी तक बीसी चल रहा है, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व का काल। आर्यों का उत्तर पूर्वी गंगा के मैदान में विस्तार, आर्य जो है मध्य एशिया से उत्तर पूर्वी गंगा के मैदान में आए थे, और वे लोग बेसिकली चारे की खोज के लिए आए थे, और आर्यों के आगमन के विषय में बहुत सारे विद्वान ने अपना अपना मत दिया है। तो इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से, और दयानंद सरस्वती के अनुसार से यह तिब्बत से आए थे, और लेकिन सबसे ज़्यादा वैलिड है मैक्स मूलर का, उन्होंने बोला था कि आर्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
950 BC में लगभग महाभारत हुआ था, लेकिन एक बुक है NCERT का, रामशरण शर्मा का, उसके अनुसार से महाभारत जो है 5000 BC में हुआ था। उसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद आ जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल का वर्णन जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में है इसका वर्णन, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। तो देखिए, महाजनपद काल में इसकी राजधानी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं सभी का बारी बारी से। राजधानी अंग की राजधानी चंपा थी, काशी की वाराणसी, गंधार का तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक, सूर्यसेन का मथुरा, कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या, मगध का तीन राजधानी उस समय हुआ करता था। सबसे पहले राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद चेदी का सुक्तिमती, पंचाल का अहिषत, वज्जी का मिथिला, मत्स्य का विराटनगर, वत्स्य का कौशाम्बी और अस्मक का पोटन, अवंती का उज्जैन या महिष्मती और मल्ल का कुशीनगर। उसके बाद जो है धार्मिक काल आ गया, बहुत सारे धर्म का उदय हुआ, तो इसी क्रम में देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है 540 में, पहले जैन धर्म देखते हैं, सॉरी पहले सब पुराना बौद्ध धर्म से पुराना है जैन धर्म। तो 540 BC में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, और इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में हो गई। वर्धमान महावीर का जीवन काल जो है, ये 30 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिया था इन्होंने, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा और बेटी का नाम प्रियदर्शना या अनुजा प्रियदर्शना, और दामाद का नाम जमाली था, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी थे जमाली। इनकी सबसे पहली मुलाकात जो है गृह त्याग करने के बाद मुगली पुत्र गोशाल नामक व्यक्ति से हुई थी, और जो कि अजित बख्श संप्रदाय के संस्थापक हैं, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको जुम्बिका नामक ग्राम में महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य कहते हैं, कैवल्य। उसके बाद ये कैवलिन कहलाए। तो आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट में देखते हुए। इसमें मुख्यतः मेरा एम है कि क्रमबद्ध तरीके से सीरियल वाइज पूरे इतिहास को देखना किस तरह से क्रम है। तो उसके बाद 563 में जो है महात्मा बुद्ध का काल आता है। 563 में इनका जन्म होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, और 483 में इनका मृत्यु जो होता है मल्ल गणराज्य में होता है। ये 80 वर्ष तक जीते हैं, 563 से 483 BC तक, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और इनके जीवन काल के बारे में देखते हैं, इनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया, जो कि जब ये 7 दिन के ही थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा हुआ था, प्रजापति गौतमी के द्वारा। इनके वाइफ का नाम यशोधरा, और इनके पिता पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का मतलब होता है एक और दुख। उसके बाद 516 BC में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, और ये आक्रमण था डेरियस प्रथम या दाराबाऊ, जो कि ईरान के हैं, ये प्रथम आक्रमण हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 544 में हरियक मतलब मगध का उत्कर्ष स्टार्ट हो गया इस समय से। तो मगध में तीन चार वंश ने राज किया, जो इस तरह से क्रमबद्ध है, हरियक, नाग, नंद, मौर्य। तो सबसे पहले देखते हैं मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार आता है, उसके बाद अजातशत्रु आता है, उसके बाद उदयन आता है हरियक वंश में। तो 483 में प्रथम बौद्ध संगति होता है। उसके बाद ये प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में होता है, और इस समय शासक रहते हैं
आजाद शत्रु, ये राजगृह के हिरण्य पर्वत पर होता है और महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं प्रथम बौद्ध संगति के। उसके बाद 412 से 344 तक शिशुनाग वंश, शिशुनाग का शासन रहता है और शिशुनाग की हत्या नागदशक के द्वारा कर दिया जाता है। 383 में दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन होता है 100 वर्ष बाद। बुद्ध की मृत्यु भी 483 में हुई है, तो मृत्यु के वर्ष में पहला बौद्ध संगति, उसके 100 साल बाद दूसरा बौद्ध संगति होता है कालाशोक के शासनकाल में। और ये कालाशोक शिशुनाग वंश के हैं और इसके अध्यक्ष शवाकामी हैं। और इसमें बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो जाता है, स्थावीर और महासंघिक। उसके बाद 344 में मगध में नंद वंश की स्थापना होती है, हर्यक नाग नंद, नंद वंश की स्थापना होती है और महापद महापदम नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना होती है, जो कि जिसका आठवां पुत्र है घनानंद। तो घनानंद भारत का सबसे पहला सम्राट भी कहलाता है, भारत का यानी कि जिसका पूरे भारत पर शासन हो। तो घनानंद के बाद मौर्य आता है, तो घनानंद को हराने में सबसे बड़ा योगदान रहता है चाणक्य का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके घनानंद को हरवाया, क्योंकि वो क्रूर शासक था। 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और सिकंदर जो है, सिकंदर की सेना को किसी तरह व्यास नदी को पार करने से रोका जाता है। और सिकंदर ने दो शहर बसाया था, निकैया और बुकाफिला। निकैया का मतलब हो गया विजयनगर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी जो है, सबसे पहले 1800 भारत के सबसे पुराने अभिलेख से मिलती है, और जो कि क्रोस्टी और अरमाइक भाषा में लिखा गया है अशोक के बारे में कुछ। और भारत का सबसे पुराना अभिलेख जो है, जिसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, जो कि पढ़ा गया अभिलेख है 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। उसके बाद 305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण होता है, सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे। उसके बाद 298 में बिंदुसार शासक बना। अब बिंदुसार ने सिंहसेन की उपाधि धारण की, जिसकी 16 पत्नियां थी बिंदुसार की। 16 पत्नी होने के कारण ही अशोक के जो है, अशोक भी बिंदुसार का पुत्र था, तो अशोक के 101 भाई थे, अशोक 101 भाई। तो अशोक ने सत्ता पाने के लिए 99 भाइयों की हत्या की थी। तो अशोक का कार्यकाल जो देखते हैं, 269 में अशोक आया, 269 से 232 BC तक। माशकी और गुर्जरा अभिलेख से ये पता चलता है कि अशोक सम्राट थे। उपगुप्त नामक जो है विद्वान से अशोक ने जैन धर्म की, सॉरी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था बेसिकली हाथी के लिए, और उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। तो इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, इसीलिए अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे, यात्रा की थी लुम्बिनी की। और उसके बाद लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था अशोक ने। श्रीनगर नामक शहर को अशोक ने बसाया और उद्यान की शुरुआत भी जो है अशोक के द्वारा ही किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान की। 251 या 255 में तीसरा बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में ही हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा संगति था, इसीलिए तीसरे संगति का तिस अध्यक्ष थे मौली पुत्र तिस। 200 BC में यूनानी का भारत पर आक्रमण हुआ। उसके बाद 185 BC में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या हुई और मौर्य, उसके बाद मौर्य शासन का अंत हो गया मौर्य काल का। तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश आया। शुंग वंश जो है
इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि एक प्रथम ब्राह्मण वंश था। इन्होंने 84,000 स्तूप, जो कि बौद्ध के अशोक के द्वारा बनवाया गया था, इसको नष्ट करवा दिया। और इसके दरबार में पतंजलि, जो कि महान ऋषि थे, वो रहते थे। पतंजलि ने इसके लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया, अश्वमेघ यज्ञ। और इस समय जो है संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था शुंग के काल में। उसके बाद इसका पुत्र आया अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के समय में जो है अग्निमित्र ने बहुत सारे स्तूप की मरम्मत कराई और वो सभी धर्मों को संरक्षण दिए थे उन्होंने। और अग्निमित्र के बारे में एक पुस्तक भी है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था गुप्त काल में, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और उसके प्रेमिका की कहानी है। उसके बाद देखते हैं आगे, 75 बीसी में कन्नव वंश की स्थापना हुई वासुदेव के द्वारा। 30 बीसी में सातवाहन वंश आया, सातवाहन के संस्थापक शिमुक हैं। सातवाहनों ने ही जो है सबसे पहले पोटिन का सिक्का चलाया था, घटिया शीशे का सिक्का। उसके बाद सातवाहन में ये प्रथा थी कि वो अपने माता का नाम टाइटल में लगाते थे, जैसे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र, इस तरह से। 58 बीसी में विक्रम संवत चलाया गया उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा। उसके बाद अब देखते हैं एडी की तरफ, यानी कि यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक दो जहाँ से अभी तक 2021 चल रहा है उस अनुसार से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले एडी में 1415 एडी को सेंट थॉमस, जो कि रोमन संत थे, उनका भारत आगमन हुआ। और 45 एडी में कुषाण का भारत में आगमन हुआ था। कुषाण का ओरिजिन वेस्टर्न चाइना में हुआ था। इसके 5 शाखा थे, उसमें महत्वपूर्ण था कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क, जो है 78 से 100 तक इनका कार्यकाल है। इन्होंने, ये भी बहुत महान राजा थे। 78 एडी में जो है शक संवत इनके इन्होंने ही चलाया था। और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था इन्हीं के समय में कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। इसमें भी बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। 225 बीसी में चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटना में। 225 बीसी में वकाटक वंश का उदय हुआ। वकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। 240 से 280 एडी में गुप्त वंश की स्थापना हुई, जो कि श्री गुप्त के द्वारा किया गया। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए, जिसने साम्राज्य को विस्तृत किया, तो वो चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त ने शक संवत स्टार्ट किया, जो कि अभी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, इससे संबंधित अभिलेख है, मतलब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इससे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 12 दक्षिणापथ के राज्य को जीता और 9 उत्तरापथ के राज्य को जीता। तो नेपोलियन, जिस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में नेपोलियन जो है हर जगह आक्रमण करके विजय होने के लिए फेमस है, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने बहुत सारे अभियान किए और सभी में जीत हासिल की। तो उसके बाद आता है रामगुप्त। इन्होंने कुछ खास नहीं किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि बहुत ही महान राजा थे, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। उसके बाद आता है कुमारगुप्त, या इनको शक्रादित्य की उपाधि मिली थी। उसके बाद स्कंद गुप्त आया था, जिनके समय में हून का आक्रमण हुआ था। तोरमान जो है इनके अगुवाई में हूनों ने आक्रमण किया था, तोरमान के सैन्य अगुवाई में। उसके बाद 319 बीस में चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। 375 में समुद्रगुप्त का काल। 375 में ये सैन्य विजय के लिए फेमस है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में।
जिन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है, इन्होंने इनके दरबार में श्रीलंका का राजदूत रहता था। रामगुप्त समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रहा था। रामगुप्त 380 से 415 AD, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न रहते थे। नवरत्न कुछ इस प्रकार से हैं, देख लीजिए, धन्वंतरी जो कि चिकित्सक थे, हरिशयन कवि थे, कालिदास कवि और नाटककार थे, छपनक ज्योतिषास्त्र थे, शंकु जो है ये शंकु स्थापत्यकार थे, और बैताल भट्ट नाम से ही लग रहा जादूगर थे, अमर सिंह ये संस्कृत के विद्वान थे, अमरकोश की रचना जो कि संस्कृत का डिक्शनरी है अमर सिंह ने किया था, वराह मिहिर और वररुचि रहते थे नवरत्न में। 414 में फाहियान की भारत यात्रा, पहला चीनी यात्री यही है फाहियान जिसने भारत यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। 415 से 455 कुमारगुप्त पहला का शासन रहा था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय के ऑर्गेनाइजिंग के लिए 100 गांव इन्होंने दिया था, 100 गांव का टैक्स इसके लिए जाता था। 455 से 467 रहा था स्कंदगुप्त का काल, इसके समय में हुन का आक्रमण हुआ था। 467 से 540 तक गुप्त वंश का अवनति काल हुआ, यानी कि पतन की ओर बढ़ने लगा गुप्त वंश। उसके बाद उदय होता है हर्षवर्धन काल वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, तो उसके पुत्र थे हर्षवर्धन, इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, और ये माना जाता है अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। इसके बाद मुस्लिम अटैक होता है 712 में, उसके बाद इस्लामिक शासन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। तो 609 में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रवि कीर्ति द्वारा ये लिखा गया अभिलेख में वर्णित है। 629 से 645 AD में वेनसांग भारत में रहा था, तो लगभग वेनसांग 15 साल रहे थे, एक साल आने जाने में लगा था। वेनसांग की रचना है सी क्यू की, इसमें भारत की यात्रा के बारे में वर्णन है। 636 में सिंध पर अरब का प्रथम आक्रमण हुआ था, लेकिन ये जो है आक्रमण सफल नहीं रहा था। उसके बाद फिर से 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, और ये सफल आक्रमण था। इसमें जो उस समय दाहिर थे राजा उस समय सिंध के, तो उनको पराजय हासिल हुई। इसके पीछे बेसिकली रीज़न ये था कि अरबों का व्यापार होता था हिंद महासागर से, और उनका जो है व्यापार का माल लूट लिया गया हिंद महासागर में, तो उस समय जो खलीफा थे अरब में, तो उन्होंने इससे हर्जाना मांगा कि मेरा माल लूट लिया गया तो माल वापस करो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो उसी का परिणाम है, ये दाहिर ने मना कर दिया था। उसके बाद मोहम्मद कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया भारत पर। तो 725 में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की गई। 753 से 973 तक दक्कन के राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं दंती दुर्ग। 760 से 1142 तक रहा था पूर्वी भारत के पाल वंश का शासन। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, और इसमें महान राजा धर्मपाल भी पाल वंश से संबंधित हैं, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि भागलपुर में है। 783 से 1036 तक गुर्जर प्रतिहार वंश का रहा, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के नागभट्ट प्रथम। 788 से 820 तक शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन रहा, हिंदू धर्म को रिवाइव करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने। 915 से 925 तक राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय में अल मसूदी जो है भारत आए थे, मोरक्को के यात्री अल मसूदी।
अफ्रीकी यात्री। 977 में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ। सुबुक्तगीन जो है भारत पर आक्रमण करते हैं, जो कि अल्पतगीन के स्लेव रहते हैं। तो ये भारत में आक्रमण करने के बाद हार जाते हैं और मारे जाते हैं। उसके बाद इनका बेटा जो है महमूद गजनवी, वो आक्रमण करते हैं और भारत में जीतते हैं। तो 985 से 1014 राजराज चोल का शासन रहता है। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर को बनाया तंजौर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 999 में बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र राज्य की मान्यता मिलती है। गजनवी में वहाँ पर स्वतंत्र राज्य की मान्यता मिलती है। बगदाद के खलीफा के द्वारा ही पहले जो है किसी भी राजा को मान्यता दिया जाता था। 1000 में जो है मान्यता मिलने के बाद महमूद गजनवी का भारत में जो है पहला आक्रमण हुआ काबुल पर 1000 में। और 1001 में जयपाल, जो कि हिंदू शाही शासक थे, उनकी पराजय हुई। और इनका 17वां आक्रमण जो है हुआ था, बहुत ही 17 आक्रमण टोटल किए थे इन्होंने। तो इसमें 1008 में आनंदपाल के बेटे जयपाल को हरा दिया। और 1011 से 12 में मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया और चक्रास्वामी कृष्ण भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। 1025-26 में सोमनाथ मंदिर की लूट हुई। इसमें बहुत ही बड़ा लूट किया गया इनके द्वारा। और सोमनाथ मंदिर को जो है इसमें बहुत सारा धन था, तो इसमें सोना का एक गेट था। तो सोना का गेट लेके जाते समय इस पर एक जाति है जाट के द्वारा वापस लौटते समय हमला हो किया गया और ये जाटों ने सोना का दरवाज़ा इनसे छीन लिया। तो उसी के लिए 1030 में 1028 में अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 में जाटों के विरुद्ध। उसके बाद सोना का दरवाज़ा जाटों से ले लिया गया और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ अलबरूनी जो है भारत आए थे 1030 में। मोहम्मद गौरी जो है, इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी का 1175 से 1206 तक मोहम्मद गौरी का काल रहता है। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया है मोहम्मद गौरी ने, और जिसमें भीम द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे भीम द्वितीय, इन्होंने गौरी को हरा दिया, बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन गौरी जो है फिर से आक्रमण करता है। 1179 में सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया, कुछ भाग को कब्जा कर लिया। 1191 में इनका फेमस युद्ध होता है, जिसे तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, पृथ्वीराज जीत जाते हैं। और दूसरा युद्ध होता है तराइन का, अगले ही वर्ष मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है। तो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है और मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। पृथ्वीराज रासो एक बुक है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, उसमें इसका वर्णन है। 1193 में दिल्ली को राजधानी बना देते हैं मोहम्मद गौरी। और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और गौरी के बीच। ये 1191 का युद्ध जीतने का मेन कारण जो है मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान का जयचंद का साथ था। और बाद में जयचंद ने इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इसके बेटी को ये भगा के लेके गया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। एक बात गौर करने लायक है, जितने भी आक्रमणकारी हैं सत्ता मिलने के बाद 2-3 साल बाद वो मर जाते हैं, ऐसा देखा गया है मोहम्मद गौरी गजनवी सभी के साथ, बाबर के साथ भी। अब आगे देखते हैं, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके चार जो है गुलाम थे उनके बीच बांट दिया गया सत्ता को। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन मिला, बाकी यलदौज कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को भी मिला। तो दिल्ली सल्तनत मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसमें 1206 में कुतुब मीनार को बनाए जाने का शुरुआत किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई
चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें लाहौर में दफनाया गया। उसके बाद राजा बनते हैं 6 महीने के लिए कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह। आराम शाह आराम करके राजा बने थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो है इल्तुतमिश ने इसे इसकी हत्या करके खुद शासन में आ जाते हैं 1210 से 1211 में ये शासन अपने हाथ में लेते हैं। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जो कि बहुत ही कम हम लोग पढ़ते हैं। ये युद्ध हुआ था यल्दौज, जो कि मोहम्मद गौरी का ही दूसरा मतलब गुलाम था यल्दौज, जो कि गजनी का एरिया ये लिए थे। तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था। 1206 में स्टार्ट हुआ, 1229 में कुतुब मीनार बन के पूरा हो गया दिल्ली में। इसके बाद इकता सिस्टम चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये बेसिकली ये था कि युद्ध में जीता गया जो भूमि होगा उसे स्टाफ में बांट दिया जाएगा इकता के रूप में। टंका चलाया था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था करंसी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उस इल्तुतमिश ने अपने बेटी रजिया सुल्तान को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उसका बेटा राजा बन जाता है, लेकिन उसे जनता द्वारा रजिया सुल्तान ने अपील किया जनता से कि मुझे राजा बनाया जाए क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे उत्तराधिकारी चुना है। तो 1236 से 40 में रजिया सुल्तान का शासन रहा। जनता ने रजिया सुल्तान को सपोर्ट किया, इसलिए रजिया सुल्तान शासक बनी। लेकिन मतलब इस्लामिक उलेमाओं का इतना प्रेशर था चौगान दल का कि इन्हें हटना पड़ा। इन्होंने एतगिन को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया और याकूत खान को अमीर आखुर नियुक्त किया, जो कि इसका प्रेमी भी कहा जाता है याकूत खान। इसकी हत्या कैथल में, हरियाणा के कैथल में हो गई। अब आगे बढ़ते हैं 1265 से 1286, ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन से पहले नसीरुद्दीन थे, जो कि टोपी सिलकर अपना शासन चलाते थे। उन्हें वजीर के बलबन को उन्होंने वजीर नियुक्त किया था, लेकिन बलबन धीरे धीरे अपना कुटिल बुद्धि यूज करके शासक बन गया और इन्होंने सबसे पहले दल चलीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि सारा योजना जो है राजा को मारने का हटाने का यहीं से होता था। रक्त और लोह की नीति अपनाई बलबन ने। और नवरोज एक त्यौहार होता है पारसी का, नव वर्ष, तो वो स्टार्ट किया था मनाना, जिसे बाद में औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। 1290 से 1320 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन में आते हैं, खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। 1296 में उनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 एक महान शासक के रूप में आते हैं, और इन्होंने ही जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। तो इसका एक वफादार था जिसे इसने 1000 दिनार में गुजरात विजय के बाद ख़रीदा था 1000 दिनार में। इसलिए मलिक काफूर जो है इसका किन्नर विश्वसनीय था, इसे 1000 दिनार में ख़रीद लिया। और दक्षिण अभियान जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका सेनापति मलिक काफूर ही थे। तो मलिक काफूर ने पूरा दक्षिण तक जीत लिया, तो उसे समंदर नजर आया, तो उसको लगा कि पूरा दुनिया यहीं तक है, दुनिया ख़त्म हो गया। इसीलिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल दिया सिकंदर ए सानी, यानी कि विश्व विजेता दूसरा सिकंदर। 1309 से 1313 में मलिक काफूर का दक्षिण अभियान शुरुआत हुआ था। 1315 में दक्कन से वापस आ गए थे मलिक काफूर 2 साल बाद। अब स्टार्ट होता है 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन, जिसको जौना खान, जिसका नाम है
इसे पागल बादशाह भी कहते हैं। इसके समय में 1342 में इब्न बतूता आए थे, जिसे जो कि मोरक्को का यात्री था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इसके द्वारा रहला नामक पुस्तक लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। सती प्रथा को सबसे पहले इन्होंने ही बैन किया था, बाद में जो है अकबर के द्वारा भी बैन लगाया गया, उसके बाद विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से भी बैन लगाया गया 1829 में, और सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। 1347 में बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे राजा जो सामंत थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि इनके सनक भरे मतलब कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। कराचील अभियान हो गया, कराचील में कोई राजा कमज़ोर पड़ गया था तो वहाँ अटैक करने के लिए सोचे, फिर बाद में नहीं किए। और फिर खुरासान अभियान किए, वहाँ ठंड के कारण सैनिक मर गए। उसके बाद दोआब कर वृद्धि कर दिए, दोआब क्षेत्र में कर टैक्स में वृद्धि कर दिए। उसी साल सुखाड़ पड़ गया तो वो भी फेल हो गया। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाए थे तो वो भी फ्लॉप ही रहा, क्योंकि लोग अपने से मुद्रा छापने लगे तो टैक्स जो है बहुत कम आने लगा, रेवेन्यू। 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे चलते हैं, 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। तैमूर लंग जो है बहुत ही क्रूर थे, दिल्ली पर इनका अधिकार हो गया और इनको सहायता मिली थी खिज्र खां से। तो खिज्र खां बाद में 1414 में सैयद वंश की स्थापना करते हैं खिज्र खां। आप देखते हैं 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन रहा दिल्ली में। देखिए सल्तनत काल में जो वंश रहे थे उसका इस तरह से क्रम है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, सबसे अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासन है लोदी वंश, जिसके शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो देखते हैं आगे, लोदी वंश का जो है शासक था बहलोल लोदी 1451 से 1526 तक, इन्होंने बहलोल सिक्का चलाया था। उसके बाद 1455 से 1498 तक संत कबीर जो है महान संत थे, इनका जन्म होता है वाराणसी में, मगहर में इनकी मृत्यु होती है। इनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा, जो कि जुलाहा इन्हें कहा जाता था बट कन्फर्म नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 1469 का घटना हुआ है, महत्वपूर्ण घटना। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, संस्थापक हैं, इनका जन्म हुआ था ननकाना साहब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और मृत्यु हुआ था करतारपुर, पाकिस्तान में ही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है, करतारपुर कॉरिडोर अभी भी चल रहा है, सिख का एक बहुत ही पवित्र स्थल है। 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म होता है पंजाब के होशियारपुर में, और इनके बचपन का नाम फरीद खां। तो ये बिहार के जो है शासक थे उस समय बहार खां लोहानी, वो एक बार शिकार खेलने गए थे तो शेर ने उन्हें घेर लिया, तो शेरशाह सूरी जो फरीद थे उन्होंने तलवार के एक बार में शेर को मार दिया था। तो इससे प्रसन्न होकर बिहार के जो हैं उस समय के शासक थे बहार खां लोहानी, उन्होंने इन्हें शेरशाह की टाइटल दी। बाद में उनके विधवा से शादी करके ये पूरा राज्य हड़प लिए, और इन्होंने सोनार गांव से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड बनवाई। अब आगे चलते हैं, 1483 में बाबर का जन्म होता है वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी के दिन बाबर का जन्म होता है 1483 में।
और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है। इस युद्ध में पहली बार तोप का यूज होता है और तुलगामा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते हैं बाबर, जो कि बाबर ने उज्बेगों के द्वारा सीखा था। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, पहले पानीपत उसके बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, उसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच। अब 1529 में होता है घाघरा का युद्ध और 1530 में ये मर जाते हैं चार साल बाद। 1526 में पानी पिया, उसके बाद 27 में खाना खाया, उसके बाद 28 में चंदन लगाया, उसके बाद घाघरा पहना और उसके बाद 30 में मर गया। उसके बाद इसका पुत्र का नाम था हुमायूं। हुमायूं जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये सप्ताह के सातों दिन में सात रंग के कपड़े पहनते थे और ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इनका कार्यकाल दो बार रहा, 1530 से 40 रहते हैं, उसके बाद शेरशाह के द्वारा इन्हें हटा दिया जाता है, हरा दिया जाता है। उसके बाद 1555 से 56 में फिर वापस आते हैं, वापसी करते हैं। इनके चार भाई हैं, कमरान, असिकड़ी, हिंदाल और संभल। तो बाबर का कहना था कि चारों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, जो कि इन्होंने ईमानदारी से कर दिया। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और ये डूबते डूबते बचे थे। इस युद्ध के बाद निजाम नामक एक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसके लिए निजाम को एक दिन का राजा बनाया गया था, और तो इसने भी चमड़े का सिक्का जारी किया था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें कि शेरशाह ने जीता और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया, सूरी वंश। और 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं अकबर के ऊपर। 1543 को अकबर का जन्म होता है अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। इनके बचपन का नाम रहता है अकबर का बदरुद्दीन। 1556 से 60 तक जो है ये बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं अकबर, और उसके बाद 60 से 62 तक इनकी ढाई माँ थी महम अनगा, इनका आधिपत्य चलता है शासन पर, जो भी ये बोलती हैं वही होता है। तो इस शासन को ही कहते हैं पेटीकोट शासन, क्योंकि इसमें लेडी का स्थापत्य मतलब प्रभुत्व था। अकबर खुद इंडिविजुअली कोई फैसला नहीं लेते थे। उसके बाद का काल जो है वो अकबर ने खुद संभाला। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और बैराम खान के बीच, क्योंकि अकबर उस समय 15 साल का ही था, तो युद्ध लड़ने में असमर्थ था, तो इसका अगुवाई जो है बैराम खान के द्वारा किया गया। 1556 में ही पुर्तगाली द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगाली के द्वारा ही लाया गया था। 1563-64 में तीर्थ यात्रा कर को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया और सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया अकबर के द्वारा भी। सती प्रथा का जो है सबसे पहले उल्लेख मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। 500 BC पूर्व लगभग में भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है, इससे एक भोजराज नाम का कोई था, उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख जो है भारत का नहीं ओवरऑल 1400 BC पुराना है, ईरान के बोगज कोई का वाला अभिलेख, जिसमें चार वैदिक देवता का है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इस सब का वर्णन है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच होता है। अकबर का जो है सेनापति मानसिंह रहता है, मानसिंह और महाराणा प्रताप के द्वारा
युद्ध होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घमासान होता है। ऐसा माना जाता है बहुत सारे बुक में कि इस युद्ध का निर्णय नहीं निकला, लेकिन लगभग में ये युद्ध अकबर ही जीते थे। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की अकबर ने, और 1583 में इलाही संवत चलाया था। तो दीन ए इलाही को एक्सेप्ट करने वाला एकमात्र था हिंदू बीरबल। बीरबल का मूल नाम जो है महेश दास होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 1565 में तालीकोटा या राक्षस तंगरी का युद्ध होता है, जिस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य की पतन हो जाता है। इसमें बेसिकली दक्षिण के अन्य सभी इस्लामिक स्टेट मिल करके दक्षिण विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध करता है। तालीकोटा का युद्ध, इसमें इसका पतन हो जाता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और पहला जो है कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1606 में जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया जाता है, जो कि पांचवे गुरु हैं सिख धर्म के। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी, सिख धर्म के पांचवे गुरु अर्जुन देव। 1608 में विलियम हॉपकिंस, जिसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई, वो जहांगीर के दरबार में आते हैं, विलियम हॉपकिंस, और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी जाती है। ये पत्र लेकर आते हैं अकबर के नाम का, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुका रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, 1610 में पहला डच फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित किया गया था। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला अंग्रेजी फैक्ट्री, जो कि अस्थाई और अस्थाई रूप से स्थापित किया गया था 1611 में। और इसी समय 1611 में ही नूरजहां और जहांगीर का विवाह होता है। 1613 में पहली अस्थाई कारखाना सूरत में, अंग्रेज का पहला अस्थाई कारखाना 1613 में लगता है सूरत गुजरात में, और उससे पहले अस्थाई कारखाना लगता है 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1615 में थॉमस रो, जो कि दूसरा ब्रिटिश था, वो भारत आया। 1622 में शाहजहां का विद्रोह होता है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और लाहौर में इसे शहादरा में दफनाया जाता है। अकबर को कहाँ दफनाया गया? अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बना, और इसके काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। इसके चार बेटे थे, चार पुत्र थे और तीन पुत्री थी। एक्चुअली शाहजहां के 14 बच्चे हुए थे। 14वां बच्चा जो है इसके समय, जन्म के समय मुमताज की मृत्यु हो गई। 14 बच्चे में 7 बेटा और 3 बेटी ही जीवित बच सका, बाकी आधा जो है 50% मर गए। 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ मुमताज महल के याद में, और 1653 में पूरा हुआ। 22 वर्ष लगभग समय लग गया ताजमहल को बनाने में। उस्ताद ईसा इसके मुख्य स्थापत्यकार थे, और बेबादल खां। 1639 में अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास में सेंट जॉर्ज किला की नींव रखी गई। 1646 में शिवाजी का तोरण पर आक्रमण हुआ। 1648 में शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण किया गया। 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या कर दी गई, और इसी समय दारा शिकोह की हत्या हुई थी। दारा शिकोह की हत्या इसलिए हुई क्योंकि दारा शिकोह बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो बहुत ही ज़्यादा सेकुलर थे। उन्होंने पुराणों का अनुवाद करवाया, और इसीलिए उसे इस्लाम का विरोधी बता करके दारा शिकोह की हत्या करवा दी गई। 1658 में औरंगजेब सत्ता में आया।
1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट की गई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना भी 1664 में ही हुआ था। 1665 में मशहूर पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मुगल के बीच में। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। 1670 में शिवाजी द्वारा सूरत की दूसरी लूट की गई। उसके बाद 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। इसके गुरु इसके दादाजी थे कौंडदेव। पांडिचेरी की स्थापना भी 1674 में ही हुई थी। 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी गई थी। गुरु तेग बहादुर जो हैं सिखों के 9वें गुरु हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर स्टार्ट कर दिया। जजिया कर की शुरुआत जो है सबसे पहले 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक किए थे उसी समय सबसे पहले जजिया कर ये इम्प्लीमेंट किए थे। तो जजिया कर बेसिकली जो है गैर मुस्लिम को के द्वारा दिया जाने वाला कर था। मुस्लिमों को जकात देना पड़ता था इसीलिए जजिया कर हिंदुओं के लिए व्यवस्था की गई जजिया कर के। 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया गया और साहू को जो कि संभाजी के बेटे थे इनको बंदी बना लिया गया। 1698 में सुल्तानाती कलिकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। तीन शहर सुल्तानाती कलिकत्ता जो कि कलकत्ता के नाम से जाना जाता है गोविंदपुर की जमींदारी मिली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और साहू जिसे कैद किया गया था ये मुक्त हो गए। तो साहू के मुक्त होने के बाद जब ये लौटे मराठा में तो उस समय शासन चल रहा था राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय उसको जो है जो कि 4 वर्ष का था मात्र उसको गद्दी पर बैठाकर राजा राम की पत्नी ताराबाहू शासन चला रही थी। तो ताराबाहू और साहू के बीच खैरा का युद्ध हुआ जिसमें ताराबाहू साहू जीते और उसके बाद साहू शासन संभालने लगे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हो गया। सत्रह सौ बारह में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई और जहांदार शाह अगला शासक बना। सैयद बंधु ने जो है इनका जो है हत्या करवा दिया। बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहते हैं। ये 65 वर्ष की उम्र में राजा बने थे एकदम सबसे बुजुर्ग मुगल राजा यही थे। शाह आलम प्रथम भी इन्हें कहा जाता है और जहांदार शाह जो हैं जो अगला शासक बने थे बहादुर के बाद उन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1713 में मराठा साम्राज्य में पेशवाई प्रथा की शुरुआत हुई। तो प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया फरकुशियर के द्वारा। पहले बंदा बहादुर जो है पहले सिख सैनिक और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने सिख साम्राज्य का विस्तार किया था। 1717 में फरकुशियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्वर्णिम फरमान जारी किया गया जिसके अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार का फरमान दे दिया गया यानी कि फ्री में व्यापार करिए। इसे अंग्रेज का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 में दिल्ली की संधि हुई बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के बीच। दिल्ली की संधि हुई क्यों? ये संधि हुई थी फरकुशियर जो कि मूर्ख एकदम राजा थे अंग्रेज को फ्री कर दिए थे इन्हें मरवाने के लिए सैयद बंधु ने दिल्ली की संधि की बालाजी विश्वनाथ के साथ। तो सैयद बंधु में जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे ये दोनों भाई थे। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने और इसके समय में ही सैयद बंधु का अंत हो गया इन्हें मरवा दिया गया। 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है।
करनाल का युद्ध भी इसी समय हुआ था 1739 में ही, मुगल सेना जिसमें पराजित हुई। मयूर सिंहासन जो है ये नादिर शाह ले गए अपने साथ ईरान, और कोहिनूर हीरा भी साथ में ले गए। मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा लगा था। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1700 में मुर्शिद कुली खां जो है सबसे पहले बंगाल को मुक्त प्रांत बनाया था। धौरिया का युद्ध भी 1740 में हुआ, जो कि अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच हुआ था। दोनों बंगाल के नवाब थे, तो धौरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां नवाब बन गए थे। 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान हुआ, और डुप्ले के द्वारा 1742 में फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया डुप्ले को। 1744 से 1748 प्रथम एंग्लो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध था, यानी कि जब भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कहीं भी प्रॉब्लम होता था तो भारत में भी एक युद्ध स्टार्ट हो जाता था। तो उसी युद्ध को, उसका केंद्र कर्नाटक में रहने के कारण उसे एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है, एंग्लो कर्नाटक युद्ध। कुल चार युद्ध हुए इस तरह के। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, और उस समय मुगल बादशाह भी अहमद शाह थे, तो इस युद्ध को अहमद शाह युद्ध कहा जाता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है हारे थे, मुगल वाले अहमद शाह जो है ये जीते थे। 1750 से 1754 में दूसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, और सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नया शासक बना। और इसी के समय में ब्लैक होल की घटना होती है सिराजुद्दौला के समय में, जिसमें होता क्या है कि 18x14 का एक रूम होता है, इसमें 146 अंग्रेज को बंद कर दिया जाता है, जिसमें कि 20 से 23 जून तक इसको बंद रखा जाता है। 1756 में 146 में मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं। और इस कहानी को उजागर किसने किया, तो हॉलवेल नामक अंग्रेज ने इसको उजागर किया था। 1757 से 1763 तक तीसरा एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। और ये और बक्सर का युद्ध जो आगे पढ़ेंगे, वो एक निर्णायक युद्ध था अंग्रेज के शक्ति को बढ़ने में। उस समय से अंग्रेज का विस्तार होना शुरू हो गया था। अंग्रेज द्वारा जो है पराजित किया गया मीर जाफर को गवर्नर बनाया गया, और इस समय अंग्रेज जो हैं अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, और उसके बाद मीर जाफर नवाब बना, और फिर बांडीवास के युद्ध में इसी समय 1760 में ही बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी को पराजित कर दिया गया, और फ्रांसीसी सब बोरिया बिस्तर समेट के निकल लिए यहाँ से। 1761 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय की गई, लगभग मराठों का अंत हो गया इस युद्ध के बाद। 1763 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1764 में ये भी एक निर्णायक युद्ध था, इसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला ये तीनों मिल के लड़ते हैं अंग्रेज से। अंग्रेज का नेतृत्व करता इस युद्ध में हेक्टर मुंडो। ये युद्ध जो है अंग्रेज जीत जाते हैं। इसमें अंग्रेज के युद्ध शैली का भी प्रूफ हो जाता है कि अंग्रेज लड़ भी सकते हैं। तो इसे इलाहाबाद की संधि होती है युद्ध हारने के बाद, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। टैक्स देना स्टार्ट कर देते हैं लोकल जो राजा रहते हैं। 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेज द्वारा द्वैध शासन लगाया जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये 7 वर्ष जो है 65 से 72 तक अंग्रेज द्वारा चूस लिया गया भारत को, भारत की लूट के नाम से जाना जाता है इस 7 वर्ष को। 1767 में रॉबर्ट क्लाइव पे कुशासन का आरोप लगा।
तो पहला गवर्नर था जिसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा इंग्लैंड में। 1765 से 1767 क्लाइव की सेकेंड गवर्नेंस आती है, 65 से 67। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल जाती है 65 से 67 में ही। 1767 से 69 में प्रथम अंगल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेज के बीच। 1772 में वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनते हैं और कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। 65 से 72 तक द्वैध शासन चलता है, उसके बाद वारन हेस्टिंग्स जब बनते हैं गवर्नर तो द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। ये एक्ट एक तरह से भारत में शासन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कानून बनता रहा 20-20 वर्ष पर लगभग। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत जो है कंपनी पर ब्रिटिश सांसद का शासन का आंशिक नियंत्रण, यानी कि ब्रिटेन सरकार का आंशिक रूप से नियंत्रण हो गया कंपनी पर, उससे पहले तो कंपनी स्वतंत्र था। 1774 में रुहेला का युद्ध होता है। ये युद्ध होता है सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और रुहेलखंड के जो है पहाड़ी उसके बीच होता है। तो कलकत्ता में इसी समय 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उस समय सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनाया गया था 1774 में। 1775 से 1782 में प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ था और मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह युद्ध हुआ था और इसके बाद सूरत की संधि हुई। सलाबाई के सूरत के संधि के साथ ये शुरू हुआ और सलाबाई के संधि के साथ ये खत्म हुआ था युद्ध, प्रथम आंगल मराठा युद्ध। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है जगदीशपुर आरा में, जो कि 1857 की क्रांति में आरा की जगदीशपुर से अगुवाई करते हैं बिहार का, और इन्हें जो है कैंपबेल द्वारा इसे दबाया जाता है यहाँ जगदीशपुर में। 1776 में पुरंदर की संधि होती है अंग्रेज और मराठा के बीच। 1780 से 1784 द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध होता है। अंग्रेज द्वारा 1769 के मद्रास संधि का उल्लंघन के पश्चात जो है मराठा युद्ध के साथ हैदर की मृत्यु हो जाती है 1780 से 1784 में ही। टीपू सुल्तान ने कमान संभाला, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान कमान संभालता है। 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और व्यापार अलग अलग हो जाता है, प्रशासन अलग देखेगा व्यापार अलग देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया। इन्होंने चार सेशन कोर्ट की स्थापना कराई कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद में, और अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और आईसीएस का भी जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1790 से 1792 में तीसरा आंगल मैसूर युद्ध होता है। 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हो जाता है। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। 1798 में बेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, और बेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर मानते हैं। इन्होंने समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया, भारतीय समाचार जो कि राष्ट्रवाद की भावना फैलाते थे, कोई भी मुद्दा रखते थे भारतीयों का, तो इसलिए समाचार पर बैन लगा दिए थे। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे कोलकाता में, और ये अंग्रेजों को जो है पेंशनकारी बना दिए थे बेलेजली। 1799 में चौथा आंगल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1802 में पेशवा के समय बेसिन की संधि हुई, होलकर ने सिंधिया और पेशवा के सेना को पराजित किया, बाजीराव ने बेसिन में शरण लिया, बेसिन की संधि हुई।
मराठों ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया इसी समय 1802 में। 1803 से 6 में दूसरा अंगल मराठा युद्ध होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच होता है दूसरा अंगल मराठा युद्ध। सूजी अर्जुन गांव की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। 1806 में बेल्लोर का सैनिक विद्रोह होता है जो कि पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है भारत में। ये तमिलनाडु के बेल्लोर में होता है। इसमें 200 ब्रिटिश सैनिक को मार दिया जाता है। ये बेसिकली होता है बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच। इसमें जो कोर्ट मार्शल हुआ तो 100 भारतीय सैनिक को फांसी दे दिया गया। लगभग 600 भारतीय मारे गए कार्रवाई में और इसका कारण भी धार्मिक कारण था। भारतीयों को मूंछ लगाने का अलाव नहीं था, तिलक लगाने का नहीं था, मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने का अलाव नहीं था, इसके कारण हुआ। तो जहाँ जहाँ धार्मिक बात आई वहाँ वहाँ जरूर विद्रोह हुआ। तो 1809 में कंपनी और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हो गई। ये संधि बेसिकली सतलज रिवर बॉर्डर के रूप में स्थापित किया गया इस संधि के बाद। 1813 में चार्टर अधिनियम आया, ईसाई मशीनरी का आगमन हुआ भारत में और 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करना तय किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम में। 1814 से 16 में नेपाल के साथ युद्ध हुआ और सुगौली की संधि हुई। 1817-18 में तीसरा अंगल मराठा युद्ध हुआ। 1818 में बंगाल में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण, पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट की शुरुआत हुई। अष्टी की लड़ाई हुई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव का आत्मसमर्पण हुआ, पेशवा पद की समाप्ति भी हो गई। उसके बाद पेंशनर बन गया मराठा। 1820-22 में सर थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बना और रैयत वाली प्रथा जो है सर थॉमस मुनरो ने ही चलाया था। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ, एक और सैनिक विद्रोह, यह भी भेदभाव से संबंधित, इसका भी कारण था भेदभाव। भारतीय सैनिक को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता था और इसके बाद हिंदू धर्म में ये अलाव, मतलब उस समय था कि समुद्र पार कर जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाता, तो उस समय चल रहा था अंगल वर्मा युद्ध। अंगल वर्मा युद्ध के लिए ही भारतीय सेना को भेजा जा रहा था। तो 180 अंग्रेज सिपाही को मार दिया गया इस विद्रोह में। 1824-26 अंगल वर्मा का युद्ध हुआ था। 1828 में विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल बना और इसी समय राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया गया और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत इसी के समय हुआ था। मंडल आयुक्त की नियुक्ति हुई थी। 1833 में चार्टर एक्ट आया और जिसके तहत भारत का अंतिम गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया विलियम बेंटिक को। 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चल गए। तो ये इंग्लैंड गए थे, अकबर द्वितीय नामक मुगल शासक जो है उस समय शासन कर रहे थे, तो उनका जो पेंशन रुक गया था क्योंकि अंग्रेज के पेंशनकारी बन गए थे मुगल राजा, तो अकबर द्वितीय का पेंशन रुक चुका था, इसके लिए इन्होंने इसको भेजा। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, बहुत सारे लैंग्वेज का इनको जानकारी था। 1833 में विधि आयोग गठित किया गया। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई इंग्लैंड में ही। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया, अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1838 में त्रिदलीय संधि हुई, कंपनी राजा रंजीत सिंह के बीच और शाह शुजा के बीच त्रिदलीय, बेसिकली जैसे क्रिकेट में त्रिपक्षीय सीरीज होता है। 1839 से 42 तक प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था एलन बरो ने। 1845-46 में प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पहला पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे और सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के।
1852 में दूसरा अंगल वर्मा युद्ध हुआ। 1848 से 1857 में लॉर्ड डलहौजी आए और इनके द्वारा हड़प नीति लागू किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनके द्वारा वे सभी काम किए गए जिसका कारण 1857 की क्रांति थी, जैसे कि हड़प नीति हो गया और अन्य धार्मिक जो और पॉलिटिकल रीजन जिससे क्रांति का माहौल बने। लेकिन जब क्रांति हुई वो हुई थी कैनिंग के काल में। इन्होंने पोस्ट का शुरुआत किया, टेलीग्राम का शुरुआत किया। 1850 में पहला माल ट्रेन चला था इन्हीं के कार्यकाल में, और 1853 में चला था पहला ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। इन्होंने 1852 में PWD की स्थापना की, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की। 1853 में फर्स्ट टाइम ICS की परीक्षा आयोजन की गई थी लंदन में। फिर 1922 से भारत में स्टार्ट की जाने लगी ICS की परीक्षा। 1855 से 1856 संथाल विद्रोह हुआ, और जो कि बंगाल और भागलपुर के रीजन में हुआ था। तिलका मांझी इसमें महत्वपूर्ण रोल में थे। इसका कारण था अस्थाई बंदोबस्त के कारण किसान की स्थिति चरमरा गई थी, उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया था, इसीलिए ये क्रांति का रूप ले लिया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, जो कि सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, और कलकत्ता, बंबई, महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय हुई थी। तो इस ये जो क्रांति हुई थी 1857 की, इस समय इसका क्रांति का चिन्ह था रोट चपाती और कमल। इसको दबा दिया गया क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं था और सभी इस राजा इसके पक्ष में नहीं थे। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया और 1 नवंबर 1858 को कैनिंग पहला वायसराय बना। इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहीं इलाहाबाद के मिंटो पार्क से अनाउंसमेंट किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद इनकी धार्मिक मुद्दे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में जो है डायरेक्ट रानी का शासन होगा, ब्रिटिश रानी का। तो 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था और इसी समय कागज़ का नोट जारी किया गया था 1859 में ही पहली बार। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया था। कोलकाता, मुंबई, मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1861 में। 1862 में जो है ये अधिनियम बना था 61 में, और 62 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की स्थापना जो है 1862 में ही की गई। 1863 में कोलकाता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी 1863 में। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में। 1872 में पहला जनगणना मेयो के काल में हुआ था, पहला दशकीय जनगणना। 1874 में बिहार में अकाल आया था। 1875 में सैयद अहमद द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा भी 1875 में हुई थी। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था 1875 में। 1876 में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार लगा जिसमें महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई 1876 में। 1878 में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया, तो इसके तहत ये था, ये रिपन के समय में आया। रिपन के समय में 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के उम्र के बच्चे को काम में नहीं लगाया जा सकता है, और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता, और 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो रहेंगे वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, और
प्रति महीना 4 दिन का उनको छुट्टी मिलना चाहिए। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया और हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग आया था इसी समय 1882 में। भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पर बैन लगाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारत में जो समाचार पत्र छपते थे, जो कि क्रांति को जन्म देते थे, क्रांति का प्रचार प्रसार करते थे, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया। भारतीय शिक्षा आयोग जिसका अध्यक्ष हंटर था, इसीलिए इसको हंटर आयोग कहते हैं। 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। इल्बर्ट का बिल का विवाद बेसिकली ये था कि उस समय अंग्रेज़ों के लिए भी, यूरोपियन के लिए भी भारतीय जज फैसला कर सकते थे, ये इस बिल का यही था। तो इसका विरोध किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इल्बर्ट बिल, कि भारतीय कैसे मेरा सुनवाई कर सकता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुंबई में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक ICS थे। इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई और पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 1888 में कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की शुरुआत की गई। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया। इसके तहत ये था कि 9 से 19 वर्ष के बच्चे को 7 घंटा पर डे से ज़्यादा अधिक काम नहीं दिया जा सकता है और औरतों को रात के 8 बजे से 5 बजे सुबह तक काम नहीं लिया जाएगा औरत से, और हर सप्ताह एक छुट्टी जरूरी है। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया और 1893 में एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ, जो कि होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट किया था 1916 में। 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि भीड़ इकट्ठा हो और आसानी से प्रचार प्रसार हो सके क्रांति का। कोई भी बात आसानी से कहा जा सकता है भीड़ में, क्योंकि उस समय इतना तेज संसाधन नहीं था, रेल नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, इसके कारण से। 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया और तिलक को 18 माह का कैद हो गया था। 1899 से 1905 में कर्जन वायसराय बने और कर्जन को सबसे प्रिय अप्रिय वायसराय कहा जाता है भारत का, क्योंकि इस समय बंगाल का विभाजन हो गया था। इस समय बंगाल के विभाजन के समय में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसके तहत देश में बने चीज़ों को प्रमोट किया गया और विदेशी चीज़ों को जलाया गया, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा निष्ठुर बर्बादी कही गई, और एक दूसरे को राखी बांधा गया और वंदे मातरम का नारा लगाया गया था स्वदेशी आंदोलन में। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में ही हुआ था। तो 1904 में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये भी कर्जन के समय आया। 1905 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और बंगाल विभाजन हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा, और जिसका पहला अधिवेशन ढाका में हुआ। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुआ था साउथ अफ्रीका में। 2 मंथ के लिए जेल हुआ था, लेकिन 19 दिन में ही छूट गए थे। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ था, जो कि सांप्रदायिक, सबसे पहली बार सांप्रदायिक चुनाव इसके द्वारा तय किया गया कि चुनाव जो है धर्म के आधार पर होगा। हिंद स्वराज पुस्तक जो है, ये भी लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई और इसी समय गेटवे ऑफ इंडिया भी बना। 1911 में जॉर्ज पंचम और मेरी के आगमन की तैयारी के लिए, स्वागत के लिए 1912 में दिल्ली राजधानी बन गया और हार्डिंग पर बम फेंका गया राजबिहारी बोस द्वारा।
1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में हुआ और कनाडा अमेरिका के भारतीयों द्वारा ये बनाया गया संगठन था। इसके संस्थापक सदस्य थे सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, ये सभी इसके सदस्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी 1913 में मिला गीतांजलि के लिए, साहित्य का नोबेल प्राइज। अब प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तिलक को मांडले जेल से रिहा किया गया 6 वर्ष के बाद, जो कि बर्मा में है मांडले जेल। 1915 में 30 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और इसी दिन प्रवासी भारतीय के दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे एक केस के सिलसिले में, 1915 में लौटे, 22 साल रहे थे वहाँ पर। मद्रास में होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में स्टार्ट किया गया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता भी हो गई 1916 में और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में भी, जो 1907 में सूरत की फूट हुई थी, वो भी एक हो गए। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में आया था। एनी बेसेंट को बंदी बना लिया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ। ये एक मेला का आयोजन किया गया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नज़दीक, क्योंकि उस समय गुरु पूर्णिमा का दिन था वो दिन, तो मेला में मीटिंग चल रहा था कुछ नेताओं के द्वारा, तो उस पर अंग्रेज जनरल के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करवाया गया। इसमें 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ। सरकारी आंकड़े के अनुसार 484 आदमी सरकारी आंकड़े के अनुसार मृत्यु हुई, और लेकिन इसका आंकड़ा भारतीयों के द्वारा 484 से 1000 तक किया गया, जिसमें 120 लाश जो है वहाँ पर एक स्थित कुआं था उससे निकाला गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर की उपाधि त्याग दी, और भी बहुत सारे महान नेता थे उन्होंने अपना उपाधि त्याग दिया, जैसे जमुना लाल बजाज। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम धीरे धीरे, इसका उद्देश्य था कि भारत को धीरे धीरे स्वराज दिया जाएगा। 1920 में 1 अगस्त 1920 को अहिंसक आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, इसे अहिंसक आंदोलन भी कहते हैं, जो कि यानी कि हिंसा के बिना आंदोलन करना, और रॉलेट एक्ट के कारण ये हो रहा था। खिलाफत आंदोलन भी 1920 में स्टार्ट हुआ, जो कि तुर्की से स्टार्ट होके यहाँ पर एक अली बंधु थे उनके द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया। बाद में महात्मा गांधी इसके अगुवाई करने लगे। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है, और उसके बाद 23 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, थाना को आग लगा दिया जाता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा बंद किया जाता है, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा को सपोर्ट करते थे और ये आंदोलन अहिंसक हो गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 में इंडियन पार्टी का गठन होता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जो कि पहली बार महात्मा गांधी इसमें अध्यक्ष बनते हैं। कानपुर षड्यंत्र भी 1924 में होता है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है M.N. रॉय के द्वारा। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित होता है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। ब्रिटिश संसद का दल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जांच हेतु। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना होती है मार्गरेट कजिन्स के द्वारा, महिला और बच्चे के लिए यह एक गैर सरकारी संस्था था। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है बिस्मिल आज़ाद इन सभी के द्वारा। इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में बम्बई में। 1900 नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें 9 सदस्य थे, और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए भी होता है भारत में
क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें कुल 9 ब्रिटिश सांसद सदस्य थे जो कि भारत के बारे में तय करते कि भारत में किस तरह शासन चलना चाहिए। यानी भारत में शासन चलेगा तो भारतीय का रहना जरूरी है। इसी आंदोलन में जो है लालाजी विद्रोह करते हुए मारे गए लाहौर में। 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि पूरा स्वराज चाहिए हमें, नेहरू के अंडर, मोतीलाल नेहरू के अंडर। शारदा एक्ट पारित किया गया जो कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम से संबंधित है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो इससे गहराई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला, कुल 24 दिन तक चला। समस्त विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया। गांधी जी 78 अनुयायी के साथ नमक बनाने निकले थे दांडी। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा को फहराया गया, भारतीय झंडा। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन जाने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, क्योंकि उससे पहले एक बार हम कर चुके थे 1930 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, इनके फांसी हुई थी लाहौर षड्यंत्र के लिए। 1922 में पूना एक्ट पारित हुआ जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता था, दलित के सीट को बढ़ाने को लेकर। राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना भी देहरादून में हुई 1932 में। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। बिहार में भयंकर भूकंप आया था 1934 में, फैक्ट्रीज एक्ट लागू किया, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1934 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया जिसमें आधे से अधिक जो है अनुच्छेद भारत के संविधान में यहीं से लिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई। 1937 में नए चुनाव हुए और नवीन प्रांतीय सरकार बनी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और जो कि 51वां अध्यक्ष अधिवेशन था, इसलिए 51 बैल के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को खींचा गया और उनका स्वागत किया गया। 1939 में त्रिपुरी संकट आया था। तो ये बेसिकली ये था कि सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण फिर से बहुमत मिल गया था कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, लेकिन गांधी जी बोले कि गांधी जी अपना कैंडिडेट सीताराम मैया को सपोर्ट किए कि इनको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो सुभाष चंद्र बोस जो है त्यागपत्र दे दिए। बाद में पट्टाभी सीतारामैया भी अध्यक्ष नहीं थे, दूसरे कोई अध्यक्ष बने थे। दूसरा वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया था 1939 में जो कि 1945 तक चला था। 1940 में जिन्ना द्वारा पृथक देश की मांग की गई। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहला सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे बने। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत सरकार का भारत में भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई, आज़ाद हिंद फौज। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चला, बेबेल की घोषणा हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें 3 सदस्य थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। 1 जुलाई 1946 को पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन हुआ जिसमें 389 मेंबर थे, 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 इंडियन प्रोविंस के और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के थे। 2 सितंबर 1946 को पहला अंतरिम सरकार बना। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। 3 जून 1948 को अंग्रेज के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, जिसे जून प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने घोषणा किया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिल गई, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। 1948 को महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या हो गई, बिरला हाउस में प्रार्थना करते जा रहे थे तो उन्हें गोली मार दिया गया नाथूराम गौड़ से और अन्य साथियों के द्वारा।
भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद को जो है नियुक्त मुक्त किया गया सैन्य कार्रवाई के द्वारा। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। उसके बाद देखिए यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्रमबद्ध तरीके से भारतीय इतिहास को देखा क्रम से। इस तरह का वीडियो YouTube पर शायद ही आपको मिलेगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और हमारे टेलीग्राम से जुड़े इसी नाम से स्टडी 02 हाई लेवल क्विज के नाम से है। और फेसबुक भी इसी नाम से स्टडी 02 हाई